कार्य की बात कर लेती हूँ बच्चों, ठीक है। प्रायोगिक कार्य नो, ठीक है। समाज और समुदाय, प्रायोगिक कार्य में आपको एक फाइल, ब्लैक कलर की फाइल है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये कार्य करना है। अब थीम क्या है इसकी? विषय परिस्थितियों में समूह कार्य का अवलोकन करना और दर्ज करना, मतलब विभिन्न परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है उसमें कार्य को देखना है, ठीक है, अवलोकन करना और दर्ज करना कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हुई है। कार्यस्थल क्या रहेगा, कहाँ पे आपको ये कार्य करना है? घर के अंदर, भोजन स्थल पे जहाँ आप भोजन कर रहे हैं आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको उस समय देखना है, ठीक है। खेलने के मैदान में आपको खेलना नहीं है, आपको देखना है। स्कूल में, मनोरंजन क्षेत्र में समूह कार्य का अवलोकन करना, ठीक है, ये स्थल है, यहाँ पे आपको कार्य करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से प्रत्येक अलग अलग समुदाय बनाना, किसी समुदाय में लोगों के एक दूसरे के साथ अनुक्रिया तथा आपसी वार्तालाप करने के कुछ विशेष तरीके होते हैं जो कई बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे समुदाय किस उद्देश्य से गठित किया गया है, समुदाय के सदस्य की घनिष्ठता का स्तर क्या है, किस प्रकार के मित्र हैं, कैसे हैं वे, अब कितनी अवधि के लिए एक साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्रियाविधि, आपको करना क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक स्थल पर एक एक घंटा बिताएं। आपको ये घर के अंदर अवलोकन के हिसाब से, वैसे तो आप घर पे ही रहते हो बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको अवलोकन करने के हिसाब से, आपको अध्ययन की दृष्टि से आपको ये कार्य करना है। घर के अंदर आपको एक घंटा किसी भी जगह को आपको देखना है, ठीक है, अच्छे से क्या घटनाएं घटित हो रही है। भोजन स्थल पर आपके समकक्ष होने वाले समूह का अवलोकन करें, आपके सामने जो समूह के द्वारा घटित घटनाएं हो रही हैं, जैसे परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसका अवलोकन करना है। घर पे करना है, भोजन स्थल पे करना है, खेल के मैदान में करना है, स्कूल में करना है, मनोरंजन क्षेत्र में करना है। आपको वहाँ मौजूद लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करना है, पहली चीज़ आ रही है, आपको सिर्फ देखना है, उनसे बात नहीं करना है, केवल अवलोकन करें, ठीक है। यदि कोई आपके साथ वार्तालाप करे तो सहज ढंग से उत्तर दें, अगर आपसे पूछे कि भाई क्या बातें, तो देख ही जा रहा है हमें क्या बातें कि कुछ है क्या, तो आप पहले अध्ययन उसको सहज ढंग से उत्तर दे दें, ठीक है। उपयुक्त प्रत्येक समुदाय में कि हम हमारे स्टडी है, हमारे होम साइंस के अंदर हमें प्रोजेक्ट मिला है, हमें इसे कार्य करना है, तो है ना, उपयुक्त प्रत्येक समुदाय में जिन पहलों पर नोट कर सकते हैं उनमें से निम्नलिखित है। स्थल का मौजूद लोगों की संख्या, वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, क्रियाकलाप में कितने लोग शामिल हैं, क्या सभी लोग एकता लाने के समूह में इकट्ठा हुए हैं या अनेक छोटे समूह हैं, किस उद्देश्य के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए हुए हैं या एकता लेके के इकट्ठे हुए हैं, कोई प्रोग्राम के लिए हुए हैं, किस लिए हुए हैं, ठीक है। समूह के आयु वर्ग कितना है, कौन से आयु वर्ग के हैं इसमें, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, मध्यम हैं, किशोर हैं, युवा हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न सदस्यों की क्या भूमिका थी, क्या समूह के सदस्य दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय थे, उदाहरण के तौर पर क्या समूह में कोई नेता था या कुछ अन्य लोग थे, मतलब आपको ये देखना है कि कोई, ये हर व्यक्ति की भूमिका अलग रहती है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, ठीक है। समूह के सदस्य के बीच संप्रेक्षण की शैली कैसी है, आपस में जो वो बातचीत कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, औपचारिक बातचीत है या अनौपचारिक बातचीत है, लोकतांत्रिक है, प्रधान क्रमिक है, मतलब औपचारिक तो होगी, कोई किसी विशेष उद्देश्य को लेके मीटिंग बुलाना, ये औपचारिक आ जाता है। अनौपचारिक है, चलते चलते बात करना, तुम उधर आना, है ना, ये लेके करते आना, ये अनौपचारिक हो जाती है। जैसे औपचारिक शिक्षा है विद्यालय के अंदर, जो कक्षा के अंदर पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा में आता है। अनौपचारिक शिक्षा में जैसे पुस्तकालय में आप जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कई अखबार पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रधान क्रमिक है। समूह के सदस्यों के बीच संप्रेक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी थी, मातृभाषा थी या अंग्रेजी थी, प्रयुक्त भाषा औपचारिक थी या अनौपचारिक थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समूह के सदस्य कितनी देर के लिए एक साथ थे, क्या किसी दूसरे सदस्यों के साथ समूह बनेगा, क्या वे लोग केवल एक बार में ही यह समूह बनाएंगे, मतलब जो ये जो समूह बना है आपने देखा एक दिन कि यहाँ पे बातचीत हो रही है, व्यक्ति दूसरी जगह आके वो बात करेगा कि दूसरे दिन भी उसी तरह की बात हो रही है, वही लोग इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें, ठीक है। ये अवलोकन का फॉर्मेट है बच्चों। समुदाय है, किस प्रकार के समुदाय इसके अंदर शामिल है, उपस्थित लोगों की संख्या कितनी है, जो समुदाय के जो सदस्य हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है।
सदस्य की भूमिका क्या है, मतलब वो किस किस भूमिका में है, नेता की भूमिका में है या कोई बात करने वाली भूमिका में, संप्रेषण की शैली भाषा कैसी है, वो आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी जो भाषा है उसमें बात कर रहे हैं या अन्य भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है। एक बार समूह, स्थायी समूह, ये समूह एक ही बार कार्य कर रहा है या अन्य बार भी इनके इस तरह से प्रोग्राम होते रहते हैं, तो ये फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है ना, आप लोग इसमें अच्छे से करिएगा, ठीक है।